खारिज हो गई है, मर्सी तक खारिज हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर, क्योंकि कोर्ट ने इनको इतना मौका दिया कि इनको आदत लग गई है उसकी, कि चलो फांसी के लास्ट दिन कुछ अचका लेके पहुंच जाओ, फांसी पोस्टपोन करा दो। लेकिन फांसी बार बार तीन बार इसलिए पोस्टपोन हो रही थी कि एक पवन की मर्सी बाकी थी, पवन की मर्सी पीछे खारिज हो गई थी, तभी चौथा डेट वारंट जारी हुआ था। तो आज का डेट में उनकी कोई मर्सी बाकी नहीं है, जो भी है जबरदस्ती है, फांसी को टालने की कोशिश है। लेकिन अब हमारे अदालतों को भी इनकी हकीकत पता हो गई है, क्योंकि एक दिन ये पहले आते हैं, तो इसलिए सब कुछ आज खारिज होगा। कल 5:30 बजे ये फांसी पे लटकेंगे और जरूर लटकेंगे। कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पवन की जो दूसरी क्यूरी पटिशन थी, आज वो खारिज हो गई, उसकी मर्सी तक खारिज हो गई है। लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अब ऐसी कोई SLP कोई मर्सी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। जो भी है अनलीगल है, जबरदस्ती है कि नहीं, जबरदस्ती का दिखाओ और फांसी को पोस्टपोन कराओ। तो ये अब सब अदालतों को पता है, खासकर पटियाला हाउस सुप्रीम कोर्ट में ये केस बार बार 3-4 महीने से चल रही है, पटियाला कोर्ट में साल भर से चल रहा है। तो अब ऐसा कोई मर्सी या सरकारी रेमडी नहीं है जो इस फांसी को पोस्टपोन कराए, और मुझे अदालतों पे, अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि ये चौथा डेट वारंट है, लेकिन ये फाइनल है, और कल 5:30 बजे उनको फांसी होगी।